हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम फौजी ब्लॉग। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। तो भाई, आप सभी को तो पता ही है कि मैंने जो 41 एफईडी पर आरटीआई लगाई थी, उसी के बारे में आज बात करने वाला हूँ कि उस पर आगे क्या कार्रवाई चली है या नहीं चली है, उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, 41 एफईडी में मैंने भी फॉर्म फिल किया था, तो मेरा एडमिट कार्ड आया था वहाँ से, लेकिन वो कहीं ना कहीं गुम हो गया, वो मुझे आज तक नहीं मिला है भाई। ठीक है, लेकिन हाँ, मेरा एडमिट कार्ड आया था भाई, तो मैं उसका फिजिकल नहीं दे पाया था भाई। तो मैंने आपकी हेल्प के लिए ही इस पर 41 एफईडी पर आरटीआई लगाई थी, तो आप सभी को तो मैंने प्रूफ दिखाया था भाई। तो देखिए भाई, 41 एफईडी का जो आरटीआई थी वो 21 तारीख को आर्मी वालों के पास भेज दी गई थी, तो अभी तक वो वहाँ की वहीं स्टॉप है, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है भाई, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं वे। तो देखिए भाई, ऐसा क्यों हो रहा है, हम लोगों के साथ ही क्यों होता है यार, स्टूडेंटों के साथ। तो देखिए भाई, आप सभी को तो पता ही है, तब से आर्मी में टीओडी लागू है, तो काफ़ी प्रदर्शन चल रहा है। तो मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया, जो वहाँ पे नंबर दिया हुआ था आरटीआई पर, तो उन्होंने बोला कि भाई अभी प्रोसेस चल रहा है, जांच करके हम आपको रिप्लाई दे देंगे। तो मैंने पूछा कब तक रिप्लाई दे देंगे, तो उन्होंने कोई टाइम नहीं बताया, बोले हम आपको जवाब दे देंगे। ठीक है, तो जल्द ही आपको जवाब दे देंगे, और कब रिजल्ट आएगा उसकी डेट ही बता देंगे, और सब कुछ बता देंगे हम आपको, उन्होंने तो मुझसे यही बोला है भाई। ठीक है, जैसा ही कोई न्यू अपडेट मिलती है भाई, मैं आप सभी को बता दूंगा। लेकिन हाँ, अगर इस आरटीआई में भी आप रिप्लाई नहीं करते हैं, तो मैं फिर से आरटीआई लगाऊंगा, अगर उसमें भी रिप्लाई करेंगे तो मैं फिर से आरटीआई लगाऊंगा। जब तक वे जवाब नहीं देंगे भाई, मैं आरटीआई लगाता रहूँगा आप सभी के लिए। ठीक है, क्योंकि हमें पता है दुख क्या होता है यार भर्ती देखने का, क्योंकि मैं भी भर्ती देखता हूँ यार, मुझे पता है क्या दुख होता है यार। तो देखिए, जब तक आरटीआई लगाता रहूँगा, जब तक वे आरटीआई का रिप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, तो इस बात को टेंशन फ्री हो जाइएगा आप, मैं आपकी हेल्प के लिए ही आरटीआई लगा रहा हूँ भाई। मैं जब तक आरटीआई लगाता रहूँगा, जब तक वो जवाब नहीं देंगे कि आरटीआई में कि हम इस दिन 41 एफईडी का रिजल्ट जारी करेंगे, इस दिन हम ज्वाइनिंग लेंगे। ठीक है भाई, तो मैं आपकी हेल्प के लिए ही मैंने चैनल बनाया भाई। देखे तो काफ़ी भाई तो बोलते हैं कि नहीं, गलत जानकारी देते हो, तो भाई गलत जानकारी क्यों दूंगा, क्योंकि मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट हूँ, मैं भी भर्ती देखता हूँ यार, मुझे पता है क्या दुख होता है झूठ सच बोलने का। ठीक है, तो भाई बिल्कुल भी यार इस बात को दिमाग से निकाल दो कि मैं गलत जानकारी देता हूँ, जैसी मुझे जानकारी मिलती है वैसी मैं जानकारी आप सभी को बताता हूँ भाई। ठीक है, तो देखिए भाई, जैसी कोई जानकारी मिलेगी मैं सबसे पहले आप सभी को वीडियो के माध्यम से दे दूंगा भाई। तो इस बात को आप टेंशन फ्री हो जाइए, मैं आरटीआई तब तक लगाता रहूँगा जब तक रिप्लाई नहीं मिलेगा। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।